खरबोर पे की कैपेसिटी के बाद दरामदी कोयले के पावर प्लांट्स पर $1 अरब खर्च करने की तैयारी। दरामदी कोल पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने के लिए $1 अरब दरकार हैं। इस राय के मुताबिक दरामदी कोल पावर प्लांट्स के बॉयलर तब्दील किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक कोल पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी में भी तब्दीलियां होंगी। ज़ीशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या डिटेल्स हैं? देखिए आमिर, बजाय इसके कि कैपेसिटी पेमेंट्स पर बात की जाए और मुआहदों की रीनेगोशिएशन की जाए, जो पावर प्लांट्स सालाना 700 रुपए के कैपेसिटी पेमेंट्स ले रहे हैं उनको तब्दीली की बात की जा रही है। और ज़राए पावर डिवीजन ने यह बताया है कि इनकी तब्दीली पर $1 अरब तक का खर्च आएगा। और ये भी बताया गया है कि उनके बॉयलर्स तब्दील किए जाएंगे और जो कोल पावर प्लांट्स हैं जो इम्पोर्टेड कोल पर चलते हैं वो उसकी दीगर टेक्नोलॉजीज में भी तब्दीली आएगी। ये 1320 मेगावाट के 3 पावर प्लांट्स है। चाइना हब पावर प्लांट है, इसके अलावा साहिवाल कोल पावर प्लांट है और पोर्टकास में जो दरामदी कोयले पर चलते हैं तकरीबन 4000 मेगावाट से ज़ायद के ये बनते हैं मजमूई तौर पर, और इनको तब्दील किया जाएगा। और ज़राए ने यह भी बताया है कि मुतवक्के है कि जो वज़ीर तवानाई है वो चाइनीज़ हुकाम से बात करें इस मुतल्लिक और इसको तब्दील किया जाए। लेकिन ज़राए ने यह भी बताया है जो कि ख़तरनाक बात है कि अगर इसको तरकोल पर तब्दील किया जाए तो इसकी जो कारकर्दगी उसमें कमी आएगी, क्योंकि इम्पोर्टेड कोल और जो हमारा मुकामी कोयला है उसके हीट वैल्यू में बहुत फ़र्क होता है। और वैसे भी अगर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूँ तो साहिवाल कोल पावर प्लांट बिजली की जो पैदावारी सलाहियत है वो 22% है उस पर चल रहा है, और अगर बात की जाए चाइना हब की तो वो 15% पर चल रहा है, और 1320 मेगावाट पोर्टकासम 18% पर जो है वो चल रहा है और बिजली पैदा कर रहा है। तमाम इनके कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत भारी है। और दूसरी जो अहम बात है वो इस वक्त कोल पावर प्लांट्स को तब्दील करने के बजाय अगर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर इन्वेस्ट किया जाए तो वो एक बेहतर होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी 44 से 45 हज़ार मेगावाट तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन उस निज़ाम में इतनी सख्त नहीं है कि जो बिजली बनाई जाए तो उसको तरसील किया जाए। लिहाजा अब तक ज़राए डिवीजन ने यही बताया है कि इस पर बातचीत की जाएगी और हो सकता है कि इसको तब्दील किया जाए और उसकी टेक्नोलॉजीज में भी तब्दीली लाई जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका।